गुड इवनिंग शिक्षक अभ्यर्थियों, आप सभी के लिए शाम की सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अतुल प्रसाद सर का ये अकाउंट है, बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं, और इनके द्वारा लेटेस्ट ट्वीट करा गया है बीपीएससी टीआरई वो भी पीआरटी से रिगार्डिंग प्राइमरी वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्वीट निकल कर आया है, जिसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं। द अपॉर्चुनिटी गिवन टू टीआरई पीआरटी कैंडिडेट्स इज फॉर डॉक्यूमेंट करेक्शन एंड नॉट फॉर डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल से बात वो कह रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया है पीआरटी वालों को, जो भी अभ्यर्थी है उनको दिया गया है डॉक्यूमेंट में करेक्शन करने के लिए, उनको ये नहीं बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर दीजिए। कहने का मतलब ये कि जो आपको डॉक्यूमेंट करेक्शन का ऑप्शन दिया गया तो उसमें सिर्फ आप डॉक्यूमेंट करेक्शन कीजिए, आप उसमें डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करने का गलती मत कीजिए, डॉक्यूमेंट को हेर फिर करने का कोशिश मत कीजिए। क्यों? आगे बता रही है, बोथ द अर्लियर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द न्यू वन, कह रहे हैं कि जो पहले का सेट है डॉक्यूमेंट्स का आपका जो आपने अपलोड करा है और जो आप न्यू वन अपलोड करोगे, वो दोनों के दोनों विल रिमेन इन द सिस्टम फॉर फ्यूचर प्रूविंग इन फ्यूचर एज एंड विन रिक्वायर्ड। वो कह रहे हैं कि जो दोनों सेट जो आप पहले अपलोड किए हैं वो और जो नए आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो दोनों जो है बीपीएससी के पास हमेशा रहेगा, ताकि फ्यूचर में कभी भी जांच की ज़रूरत पड़े तो वो दोनों को जो है यहाँ पे देखकर जांच किया जा सके। तो प्लीज़ अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में आ रहा था हेर फिर करने का डॉक्यूमेंट्स को, तो अभी अपने दिमाग से वो निकाल दे, नहीं तो फिर फ्यूचर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो सिंपल से उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट आप करेक्शन कीजिए, डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। तो बस ये हिंट दे रहे हैं, एक इशारा है, बोले तो कैसे चेता रहे हैं कि हाँ कोई भी आप गलती नहीं कीजिए, डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट करने का कोशिश तो कीजिएगा ही मत, सिर्फ डॉक्यूमेंट करेक्शन आप कीजिए, डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट नहीं करना है। सो इंपॉर्टेंट ट्वीट थी, जो भी पीआरटी वाले हैं जल्दी से जल्दी 21 से 25 तक आपके पास टाइम है डॉक्यूमेंट करेक्शन करने का, जल्दी से जल्दी अपना डॉक्यूमेंट करेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।